थ्योरम 6.5, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। स्टूडेंट्स, एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है सच दैट, इस प्रकार से कि ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री दिया हुआ है, देन प्रूव करना है टू लाइंस पैरेलल। तो इसके लिए टू लाइंस लेंगे, ए बी और सी डी टू लाइंस ले लेते हैं, और एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एंगल्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिनोट कर लेंगे। तो आइए प्रूव करते हैं। दिया हुआ है, गिवन में क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है एंगल 3 और एंगल 5। इन दोनों का सम दिया हुआ है 180 डिग्री। प्रूव क्या करना है, ए बी और सी डी टू लाइंस पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। कैसे प्रूव करेंगे, तो थ्री एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 दिया हुआ है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर फॉर्म करता है, एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर फॉर्म करता है, और लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180, बट इट इज़ गिवन दैट एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का RHS इक्वल है, इस हिसाब से LHS दोनों इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 दोनों तरफ से कैंसिल, इसीलिए एंगल 3 दोनों तरफ से है ना, एंगल 3 इस तरफ भी है उस तरफ भी है, एंगल 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो क्या रिजल्ट आया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आया, इसीलिए हम टू लाइंस को क्या कहेंगे पैरेलल, तो ए बी और सी डी क्या होगा पैरेलल। ओके, थैंक।